नेता जो बना बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री, जिसका देश की आजादी में था अहम योगदान। वह मुख्यमंत्री जो जेपी के आंदोलन का चढ़ गया भेंट। वह मुख्यमंत्री जिसे अपने ही पार्टी के साजिश का होना पड़ा शिकार। इस मुख्यमंत्री के मन में उद्योग लगाने का था एक बड़ा विजन। उसने बियाडा जैसी संस्था की रखी थी नींव। देश के आजादी के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की स्थितियों में बदलाव देखने को मिला। अब हर कोई अपने स्तर से देश को, या यूं कहें राज्य को, चलाना चाह रहा था। इस दौरान कांग्रेस का जलवा था पूरे देश में। केंद्र से लेकर राज्यों तक में कांग्रेस ही कांग्रेस था। इसके ना तो कोई विरोधी था और ना ही कोई साझेदार, मतलब कि सिर्फ एक ही था, तो वो था कांग्रेस। लेकिन समय के साथ कांग्रेस में भी विभाजन हुआ और देश में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। इस समय तक देश में कांग्रेस की सत्ता से लोग उबने लगे थे। एक तरह से कहें कि विरोध के स्वर मुखर होने लगे थे। अब वह कांग्रेस नहीं रह गई थी जिसे लोग आज़ादी के मतवाले के नाम से जानते थे। लेकिन उस समय देश में एक आंदोलन हुआ जिसने देश की राजनीति की धार ही बदल दी और उसी आंदोलन के शिकार हो गए बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री। बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के बारे में, जो अपनी कुर्सी पर मात्र 2 साल ही रह पाए, लेकिन वे अपनी प्रतिभा और प्रदेश के विकास को लेकर, उनके मन में एक विजन था उसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के 15वें मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के बारे में। अब्दुल गफूर पढ़ाकू और तेज बुद्धि के मालिक थे। उस समय देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोपालगंज में हुई थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले गए। यहीं पर उन्होंने अपने आप को देश की आज़ादी के लिए आहूत कर दिया। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। आज़ादी के मतवाले अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान गफूर की इच्छा थी कि वे भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दें, और उन्होंने दिया भी। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिलता है। आज़ादी के बाद अब्दुल गफूर साल 1952 में विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे और उस समय देश के साथ साथ बिहार में भी कांग्रेस की सत्ता थी। गफूर दूसरी बार जब विधायक बने तो उन्हें बिहार सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिला। कहा जाता है कि अब्दुल गफूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी करीबी थे। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि जनता के समक्ष टेलीफोन के जरिए भी सीधे तौर पर उपस्थित रहते थे। हालांकि वे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वे लंबे समय तक नहीं रहे। 2 जुलाई 1973 को उन्होंने बिहार के 15वें सीएम के रूप में शपथ लिया और 11 अप्रैल 1975 को वे सीएम की कुर्सी से हटा दिए गए। कहा जाता है कि अब्दुल गफूर उस समय अपनी ही पार्टी के नेताओं के साजिश के शिकार हो गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि अब्दुल गफूर के समकालीन नेताओं में केदार पांडे और जगन्नाथ मिश्रा थे, जिनमें कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही थी। इसी दौरान बिहार के 2 अहम घटनाएं हो गई। पहले तो जेपी का आंदोलन, जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश के छात्राओं को एकजुट करके केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। और दूसरा साल 1975 में समस्तीपुर में उस समय के रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्रा की हत्या। ये 2 ऐसी घटना थी जिसने खान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर का रास्ता दिलवाने के लिए एक अहम कड़ी के रूप में निकल कर सामने आया। इसी साल इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर को हटाकर जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री पद के हटने के बाद राजीव गांधी की सरकार में साल 1984 में वह कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन अब्दुल गफूर की राजनीति का सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ। नीतीश कुमार जब राजद से अलग होकर एक नई पार्टी का गठन किया तो पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। साल 1996 में उन्होंने समता पार्टी के टिकट पर गोपालगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब रहे। 10 जुलाई 2004 को लंबी बीमारी के बाद पटना में उनका निधन हो गया। लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी व्यक्ति बिहार का मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब्दुल गफूर के कार्यों को देखें तो बिहार में उद्योग लगाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। उन्होंने प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उन्होंने नींव रखी थी। उनका मानना था कि उद्योगपतियों को बिहार लाने के लिए उन्हें सहूलियत देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बियाडा का गठन किया गया था। हालांकि 90 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव बने तो बिहार में उद्योग पूरी तरह से चरमरा गई। इस ओर किसी का ध्यान तक नहीं दिया और अब्दुल गफूर का
अपना लगभग मर सा गया था। लेकिन जब बिहार के सत्ता में नीतीश कुमार आए तो उन्होंने बियाडा को एक बार फिर से नई जान दी और उद्योग को लेकर कई कार्य किया। बिहार में नई कंपनियों का निवेश भी कर रही है और आने वाले दिनों में निवेश की बात कही भी जा रही है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि जिस बियाडा की शुरुआत बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री ने शुरू किया था, आगे चलकर यह बिहार के विकास में एक अहम कड़ी निभाएगा। तो चलते चलते आपसे एक सवाल, अब्दुल गफूर के लेकर आपके मन में क्या सवाल उठते हैं या फिर अब्दुल गफूर को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।